महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए बनाई गई प्रदेश के पहले शिहाट के एक वर्ष पूरे होने पर बागपशोक पंचायत के शिहाट में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जिला सिरमौर के पूर्व डीसी व प्रदेश हॉर्टिकल्चर के निदेशक डॉक्टर आर के परूथी मुख्य अतिथि रहे। इस कार्यक्रम में डॉक्टर आर के परूथी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, क्योंकि शिहाट उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसे उन्होंने डीसी सिरमौर रहते हुए पूरा किया और यहाँ की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का अवसर प्रदान किया, जिसके लिए यहाँ की महिलाओं ने डॉक्टर आर के परूथी का विशेष रूप से धन्यवाद किया। साथ ही आर के परूथी ने यहाँ कार्य कर रही महिलाओं के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ उन्हें भविष्य में भरपूर सहयोग का आश्वासन भी दिया। करना चाहूंगा, धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि जो स्वप्न मेरी टीम ने मिलकर देखा था वो आधी मंजिल तय हो गई। मैं तो चाह रहा था कि एक साल में हर महिला लखपति हो, लेकिन अभी ये हजारपति हुई है, 50,000 पति। इसी हाट की परिकल्पना जो है, कुछ लोग जो नए हैं उनको बताना चाहता हूं मैं कि ये बना कैसे। जब मैंने डीसी ज्वाइन किया था यहाँ पे, एसपी साहब थे अजय कृष्ण जी, हम प्रेमनगर से इधर को आ रहे थे कि रास्ते में हमारे पास कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है कि जहां पे महिलाओं के लिए टॉयलेट हो। सिर्फ एक ये सोच थी, घूमते घूमते हम यहां पे पहुंच गए और यहाँ प्रधान जी भाटिया जी को डंगे के लिए पैसे चाहिए थे, बोलते चाय पीने का। यहाँ पे भी छोटी सी स्टेज होती थी, मैंने कहा जमीन मुझे दे दो, बोलते ले लो। तो वहां से सी आर्ट की शुरुआत हुआ। फिर जब यहाँ पे बागपशोक में किसको चलाएगा कौन, टॉयलेट कहीं भी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, उसको अच्छी कंडीशन में रखना, नीट एंड हाइजीन बनाना उसको, वो एक सभी के लिए चैलेंज होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना महिलाओं को जोड़ा जाए साथ। उसमें जो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है, जो वे साइड एमटीज है, उसमें वो पैसे देता है, वो बिना पैसे के कोई काम संभव नहीं होता। तो टूरिज्म से हमने 12 लाख रुपए लिए ये टॉयलेट बनाने के लिए। फिर महिलाएं करेंगी क्या, उसके लिए नबार्ड को पकड़ा कि एक रूल हार्ट का निर्माण किया जाए, तब रूल हार्ट का इसमें और साथ में डीआरडीए से 10 लाख रुपया लिया। फिर पंचायत को भी छोड़ा, ये सोलर पावर प्लांट भी होना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी होना चाहिए, वो भी पंचायत ने खुले दिल से सीआरटी की महिलाओं को सहयोग किया। यहां के जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, कालाम के हैं, कोंटा साहब के हैं, इस सारी जो 70 लाख में ये बिल्डिंग बनी है उसमें से 25 लाख के आसपास उन लोगों का योगदान है। आपकी एमएलए साहिबा हैं, एमपी साहब हैं, उनका भी योगदान है और डीसी फंड्स का भी योगदान है। ये सारे पैसे से लेके जो अभी ये बिल्डिंग खड़ी हुई है, मुझे लगता है आने वाले समय में ये ना केवल हिमाचल के लिए बल्कि सारे भारतवर्ष के लिए मॉडल साबित होगा। हिमाचल और दाएं बाएं तो इसकी सीआर की गूंज पहुंच ही चुकी है। उस टाइम जो मेरे साथ सारे मेरे सहयोगी थे, सबसे ज्यादा दिनेश और रेखा, सबसे ज्यादा इनका योगदान था, क्योंकि सबसे ज्यादा ये और प्रधान जी को पता नहीं कैसे पता लग जाता कि मैं आज आ रहा हूं और जो भी लगता डी साहब कहां गए होते सीआर, क्योंकि बिना किसी जब तक पैशन ना हो आप कोई भी बिल्डिंग खत्म कंप्लीट नहीं कर सकते, कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते। जब महिलाओं का चयन किया, आपको याद होगा आपके 4 वार्डों में विजिट किया था और उस दिन बर्फ पड़ी हुई थी, मैंने कहा जो महिला खुशी से आगे आएगी वो इसकी मेंबर होगा। मोटा मोटा इन्हें समझाएगी करना क्या। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सराहा से सुरेश कुमार की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।